इस रोड के माध्यम से हरिद्वार जा रहे हैं। दोस्तों अब ये नहर के रास्ते से हम पंथला फाटक वाले मार्ग पर आ गए हैं और अब हम इस रास्ते से बागपत वाले रास्ते पर जाएंगे, जहाँ से हमें हरिद्वार पहुँचने में काफ़ी आसानी होगी। अब हम दिल्ली मुजफ्फरनगर वाले रास्ते पर आ गए हैं और अब मुजफ्फरनगर जा रहे हैं। जो गंगनहर वाला रास्ता है वो अभी बंद किया हुआ है, जिसके कारण हम इस वाले रास्ते से अब जा रहे हैं। यह रास्ता आता हुआ मुजफ्फरनगर के रास्ते सारे हरिद्वार जाता है।
में प्रवेश कर रहे हैं। काफ़ी लंबा रास्ता अपना करने के बाद देवभूमि उत्तराखंड में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। जो ये देख रहे हैं अब हम इसी रास्ते हरिद्वार जाएंगे। जो सभी लोगों के आस्था की जगह दोस्तों काफ़ी लंबी दूरी करने के बाद अब हम हरिद्वार पहुंच गए हैं और यह आप देख रहे होंगे काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं गंगा जी में स्नान करने के लिए। अभी हम भी गंगा जी में हर की पौड़ी पर जाएंगे। तो दोस्तों हम यह हरिद्वार गंगा जी के पास पहुंच गए हैं और आप देख रहे हो ये गंगा माता जो है की धारा है जो बड़ी स्पीड से जा रही है और सामने देख रहे हो ये होगी हर की पैड़ी है। ये सामने देखते होंगे आप ये मंदिर है जो मनसा देवी नाम से मशहूर है। इस पर भी अभी हम ऊपर जाएंगे। चलो तो आना भी जल्दी आओ। आ जा रहे यार एक घर चलो ना।
चल अब हम माता मंदिर के द्वार में जा रहे हैं काफी लाइन पार करने के बाद अब हम मंदिर के अंदर मंदिर परिसर में जा रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। दोस्तों अब हम चंडी देवी पर जा रहे हैं। अब हम इस रास्ते के माध्यम से माँ चंडी देवी जाएंगे। पत्थरों में कट लग रहे हैं। हाँ दोस्तों अब कुछ ही दूरी बची है माँ चंडी देवी मैया के दरबार के। हाँ हाँ वो वाला है। Thank you.
दोस्तों अब हम आ गए हैं माँ चंडी देवी मंदिर। आप देख रहे होंगे ये माँ का भवन है और इसी में ही हम माँ भगवान माँ के दर्शन करेंगे। अरे रुक जा कर माँ गणपति। तो दोस्तों हम माँ मंदिर के द्वार आ गए हैं। ये माँ मंदिर का द्वार है ओ भाई आगे आगे जो दरबार में। दोस्तों आप ये देख रहे हैं माँ का मंदिर का द्वार है जो है। तो दोस्तों हम माँ का मंदिर के दरबार में पहुँच गए और अब माँ मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। चलो आगे चलो चलो भैया चलो।